3 साल का रिलेशन था मेरा और उसका, और कसम से इतना कुछ दिया है ना मैंने उसे इस रिश्ते में, मेरा टाइम, मेरे इमोशन, मेरी फीलिंग, मेरा FB इंस्टा का पासवर्ड तक दिया मैंने उसे। उसने क्या दिया मुझे? ब्रेकअप। अरे घर का पालतू कुत्ता तक जाता है ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो तो मेरी अपनी थी, मुझे रोना कैसे नहीं आएगा। अटैचमेंट नाम की चीज होती है यार लड़कों में भी, सेक्स नहीं भरा होता है बस इसलिए आ जाते हैं आंसू। अब ये दिल मुश्किल का रणबीर कपूर नहीं हूं मैं कि अपनी छाती पर गमला पीट पीट कर खुद को शांत कर लूं। क्यों शाहरुख खान जब नकली में रोता है तब तो तुम्हारे मुंह से निकलता है हाँ हाउ क्यूट, हम लड़के असली आंसू भी रोएंगे तो हम लूजर हैं। असल में ना तुम्हारी गलती है नहीं, ये सब गलती उस एकता कपूर की, अपने सीरियल्स में इतने सदियों से इतना रोता हुआ दिखाया औरतों को, मानने लग गए लोग कि रोने का काम सिर्फ औरतों का है, मर्द रोएगा तो पाप है। ये सेम बात अगर संजीव कपूर सोचता ना तो पहला प्याज काटने के बाद बंद कर देता अपना काम, इतना बड़ा शेफ नहीं बन पाता वो। और संजीव कपूर का आज का एग्जांपल है ना महाभारत, तो जानते होंगे महाभारत में अर्जुन था, अर्जुन के आंख में आंसू आ गए थे रणभूमि में, कृष्ण ने रोका नहीं उन्हें क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि जिन लोगों के सामने खड़े उनसे इमोशनल वैल्यू है उनकी। अब बोलो जब श्री कृष्ण ने रोक पाया तो तुम लोग कौन उंगली उठाए? जब लड़कियां रोती है तो देखो बेचारी, अरे अरे बेचारी लड़की रो रही है, और जब उसी की जगह लड़का रोता है तो देखो लड़की की तरह रो रहा है। किसने लिखा कि सिर्फ लड़कियां रो सकती हैं? वेदव्यास लिख के गए थे, तुलसीदास लिख के गए थे, बताओ यार। तुम्हें पता है लड़कों की रोने की शुरुआत कैसे होती है? जब पहली बार लड़का लड़की को प्रपोज करता है ना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, लेकिन लड़की के आने के बाद बस दुख, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, यू शट अप, इन्हीं के आंसू निकलते हैं। और बाद में आंसू 3 प्रकार के होते हैं, फेसल टीयर्स, रिफ्लेक्ट टीयर्स, इमोशनल टीयर्स, और लड़की एकमात्र ऐसा जीव है जो तीनों टीयर्स एक बार में निकाल देती है। अच्छी खासी नॉर्मल लाइफ को एबनॉर्मल बना के चली जाती है लड़की और आपको पता भी नहीं चलता। उसके उसका ईगो, उसकी इच्छाएं पूरा करना आपका एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, और उस लक्ष्य को पूरा करते करते आपको आपके दोस्त, आपको आपका परिवार, सारा संसार चूत जान पड़ता है, क्योंकि आपके पर्दों पर ना सिर्फ और सिर्फ लड़की की पिक्चर चलती है। लड़की आपकी लाइफ में हो वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन लड़की आपकी लाइफ में ना हो ना ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। लड़की आपकी लाइफ में ना हो तो नल्ला है, लड़की हो स्नेक या तो नल्ला है। इसलिए शादी की बात नहीं करी, नल्ला है ये तो। शादी की बात कर ली, बाप को न जाने किस बात की तकलीफ हुई, नल्ला ही है। बैंक में इन चूत को प्रूफ करने के लिए आए हो क्या इस दुनिया में? क्यों ना रो, जब आदमी पैदा हुआ तो रोते हुए आता है, उसके बाद जब बड़ा होता है तो मां की गोद में जाने के लिए रोता है, फिर चॉकलेट के लिए रोता है, खिलौनों के लिए रोता है, स्कूल में टीचर के डांट पीटती है तो रोता है, बाप की मार से रोता है, कॉलेज में लड़कियों के लिए रोता है, बॉडी बनाने के लिए रोता है। लड़की मिल गई तो जिंदगी भर रोएगा, शादी के पहले रोएगा, शादी के बाद रोएगा, बच्चा पैदा होने के बाद रोएगा, बुढ़ापे में रोएगा, बीमारी से रोएगा, मरने के पहले भी रोएगा, मरने के बाद दूसरों को रोता हुआ छोड़ता जाएगा। जब पूरा रोना रोने का ही है तो क्यों ना रो, मैं क्या गलती करी यार मैंने रोके, बस रोऊंगा, मैं पूरा रोऊंगा, दिल खोल के रोऊंगा यार, धुआंधार रोऊंगा, बस रोऊंगा।